एपिडेमिक मृत्यु कोई शब्द नहीं बल्कि हिंदू धर्म के महाभारत ग्रंथ के अनुसार मृत्यु एक परम पवित्र मंगलकारी देवी है। सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु सामान्यतः वृद्धावस्था, लालच, मोह, रोग, कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। मुख्यतया मृत्यु के 101 स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य 8 प्रकार की होती है, जिसमें बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना, अकस्मती, आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप है। प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में है। इसे टाउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नाम भी दिए गए हैं। मुख्य रूप से यह प्राणियों का रोग है जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू के दंश से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है, बुखार तेज और लसीका ग्रंथियां स्पर्शाशय एवं सूजी होती है। रक्त पुत्रता की प्रवृत्ति होती है और कभी कभी यह न्यूमोनिया का रूप धारण करता है। भारी पैमाने पर तबाही मचाने के कारण पूरे इतिहास में प्लेग कुख्यात रही है। आज भी विश्व के कुछ भागों में प्लेग महामारी बना हुआ है। आया निपाह वायरस। इस वायरस की सबसे पहले पहचान 1998 में मलेशिया के कैंपुंग सुंगी के निपाह इलाके में हुई थी। उस वक्त वहां दिमागी बुखार का संक्रमण था। यह बीमारी चमगादड़ों से इंसानों और जानवरों तक में फैल गई। इस बीमारी की चपेट में आने वाले ज्यादातर लोग सुअर पालन केंद्र में काम करते थे। यह वायरस ऐसे फलों से इंसानों तक पहुंच सकता है जो चमगादड़ों के संपर्क में आए हों। यह संक्रमित इंसान से स्वस्थ मनुष्य तक बड़ी आसानी से फैल सकता है। में बांग्लादेश में भी इस वायरस के मामले सामने आए। उस वक्त वहां के कुछ लोगों ने चमगादड़ों के संपर्क वाले खजूर खा लिए थे और फिर यह वायरस फैल गया। कैसे फैलता है निपाह वायरस? संक्रमित चमगादड़ों, संक्रमित सुअर या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से निपाह वायरस फैलता है। निपाह वायरस का इलाज क्या है? अब तक निपाह वायरस का कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। इस वायरस का एकमात्र इलाज यही है कि संक्रमित व्यक्ति को डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा जाता है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? चमगादड़ों की लार या पेशाब के संपर्क में न आए, खासकर पेड़ से गिरे फलों को खाने से बचें। इसके अलावा संक्रमित सुअर और इंसानों के संपर्क में न आए। जिन इलाकों में निपाह वायरस फैल गया है वहां जाने से बचें। स्वाइन फ्लू दुनिया भर में महामारी बन चुका। स्वाइन फ्लू का वायरस H1N1 का पहला मामला मैक्सिको में भी सामने आया। मैक्सिको में स्वाइन फ्लू के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर कुल 184 हो गई है। संक्रमण के 21,264 मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि सर्दियों में स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 1,000,000 होने का अनुमान है। स्वाइन फ्लू का पहला मामला अप्रैल के अंत में मैक्सिको में ही सामने आया था, जिसने बाद में वैश्विक महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार स्वाइन फ्लू से 177 देशों में अब तक लगभग 2,200 लोग मारे जा चुके हैं। नए आंकड़ों के अनुसार अब तक 209,438 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। चिकनगुनिया का फैलाव। वर्ष 1953 में पहली बार चिकनगुनिया का मामला तंजानिया में पाया गया था। धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलते हुए आज यह एशिया के लगभग अधिकतर देशों में फैल चुका। एडिस मच्छर के काटने से फैलने वाली चिकनगुनिया बीमारी संक्रमण बीमारी नहीं है, वरन केवल तभी फैलती है जब संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काट ले। है चिकनगुनिया के लक्षण। चिकनगुनिया के लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के 2 दिन से 2 हफ्ते के बीच दिखाई देने लगते हैं। इसके लक्षण काफी हद तक वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं। ये निम्न प्रकार होते हैं। चिकनगुनिया का इलाज। वर्तमान में चिकनगुनिया को कोई पुख्ता इलाज नहीं है, वरन डॉक्टर की सलाह तथा उनके द्वारा दी गई एंटीबायोटिक्स के प्रयोग से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। एक, चिकनगुनिया के मरीज को डिहाइड्रेशन से बचाए। दिन भर उसे नारियल पानी, जूस, लिक्विड आदि पिलाते रहें। 2, चिकनगुनिया में मरीज को अत्यधिक शारीरिक कमजोरियां आ जाती है, अतः संतुलित तथा पौष्टिक भोजन करें, साथ ही आराम करें। 3, नियमित रूप से दवाई लेते रहें। 4, ठीक होने के बाद हल्का फुल्का व्यायाम शुरू कर दें, इससे जोड़ों के दर्द में जल्दी आराम आएगा। चिकनगुनिया से बचाव। चिकनगुनिया से बचाव इतना कठिन भी नहीं है। घर में तथा घर के आसपास सफाई रखकर आप न केवल चिकनगुनिया वरन डेंगू, मलेरिया तथा अन्य इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं। 1, सदैव पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहने। 2, अपने घर अथवा घर के आसपास पानी को जमा नहीं होने दें। 3, यूकलिप्टस तेल का मच्छरों के रोकथाम के लिए इस्तेमाल करें।
चार मच्छरों को मारने वाले स्प्रे का पहले अफ्रीका में पाया गया था। इबोला के मरीजों की 50 से 80 फीसदी मौत रिकॉर्ड की गई है। रोग फैलने के कारण यह वर्तमान में एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी में शरीर में नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। यह एक अत्यंत घातक रोग है। इसमें 90% रोगियों की मृत्यु हो जाती। इबोला विषाणु का रोग और इबोला केटीके इबोला वायरस पार्टिकल्स अफ्रीकी हरे बंदर के गुर्दों की कोशिकाओं से इबोला विषाणु के कणों का विकास। यूएस रोग नियंत्रण इबोला विषाणु रोग ईवीडी वर्ष 2014 में अभूतपूर्व महामारी के रूप में उभर कर सामने आया। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम सन 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी, इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। एक इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। मरीज के पसीने, मरीज के खून या श्वास से बचकर रहें, इसके चपेट में आकर टाइफाइड, कॉलरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं, नसों से मांसपेशियों में खून उतर आता है। इससे बचाव करने के लिए खुद को सतर्क रखना की उपाय है। इबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है और वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इबोला के मरीजों की 50 से 80 फीसदी मौत रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला वायरस के संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO गंभीरता से ले रहा है। पश्चिम अफ्रीकी देशों गिनी, सियेरा लियोन और नाइजीरिया में इबोला वायरस के संक्रमण के अब तक करीब 930 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू डेंगू मादा एडीज इजिप्टा मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलता है। इस तरह फैलता है। डेंगू डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जब कोई एडीज मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो वो उसका खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर में चला जाता है। जब डेंगू वायरस वाला वो मच्छर किसी और इंसान को काटता है तो उससे वो वायरस उस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे वो डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है। कब दिखती है बीमारी? मच्छर के काटे जाने के करीब 35 दिनों के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर में बीमारी पनपने की मियाद 3 से 10 दिनों की भी हो सकती है। साधारण डेंगू बुखार ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार होता है। सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द शुरू होता है। बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, भूख न लगना और जी मितलाना और मुंह का स्वाद खराब होना, गले में हल्का सा दर्द होना, शरीर खासकर चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेज होना। कराएं ब्लड टेस्ट। अगर तेज बुखार हो, जोड़ों में तेज दर्द हो या शरीर पर रैशेज हो तो पहले दिन ही डेंगू का टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर लक्षण नहीं है पर तेज बुखार बना रहता है तो भी 1-2 दिन के इंतजार के बाद फिजिशियन के पास जरूर जाएं। डेंगू की जांच के लिए शुरुआत में एंटीजन ब्लड टेस्ट NSA किया जाता है। इस टेस्ट में डेंगू शुरू में ज्यादा पॉजिटिव आता है, जबकि बाद में धीरे धीरे पॉजिटिविटी कम होने लगती है। यह टेस्ट करीब 1000 से 1500 रुपए में होता है। टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती है। एड्स, क्या आप जानते हैं कि एड्स बीमारी की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार HIV वायरस सबसे पहली बार 19वीं सदी की शुरुआत में जानवरों में मिला था। इंसानों में यह चिंपांजी से आया था। 1959 में कांगो के एक बीमार आदमी के खून का नमूना लिया गया। कई सालों बाद डॉक्टरों को उसमें HIV का वायरस मिला और ऐसा माना गया है कि यह व्यक्ति HIV से संक्रमित पहला व्यक्ति था। वैज्ञानिकों ने HIV की उत्पत्ति को चिंपांजी और सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस SIV को माना। SIV एक HIV के जैसा ही वायरस है जो कि बंदरों और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। किनशासा में संभवतः संक्रमित खून के संपर्क में आने से यह मनुष्यों तक पहुंचा। इस वायरस ने चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर और फिर मनुष्यों को अपने प्रभाव में लिया। कैमरून में HIV एक सब ग्रुप ओ ने लाखों लोगों को संक्रमित किया। 1960 के दशक में HIV अफ्रीका से हैती और कैरिबियन तक फैल गया। जब औपनिवेशिक लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो से हैती पेशेवर लोग घर लौट के आए थे, फिर वायरस 1970 के आसपास कैरिबियन से न्यूयॉर्क शहर और फिर एक दशक में सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ने दुनिया भर में वायरस को फैलाने में मदद की। यद्यपि HIV 1970 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचा, लेकिन 1980 के दशक तक जनता के ध्यान में नहीं आया था। पूरी दुनिया में इसके बाद एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के अभियान शुरू हो गए और 1988 से हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार 2019 का थीम है एंडिंग द HIV एड्स कम्युनिटी बाय कम्युनिटी।
1991 में पहली बार लाल रिबन को एड्स का निशान बनाया गया। यह एड्स पीड़ित लोगों के खिलाफ दशकों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने की एक कोशिश थी। 1994 में FDA ने पहले मौखिक और गैर रक्त HIV परीक्षण को मंजूरी दी। दो साल बाद यह पहली होम टेस्टिंग किट और पहला यूरिन टेस्ट को मंजूरी दे दी गई। 1995 में नई दवाओं और एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी ART या हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ART की शुरुआत के कारण विकसित देशों में एड्स से संबंधित मौतों और अस्पताल में तेजी से गिरावट आई। फिर भी 1999 तक एड्स दुनिया में मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण था और अफ्रीका में मौत का प्रमुख कारण भी था। तो अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि एड्स की शुरुआत कांगो की राजधानी किंशासा से हुई थी और फिर यह अन्य देशों में कोरोना चीन के वुहान से शुरू हुआ। कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 अब तक 170 से ज्यादा देशों में पहुंच गया है। इसके संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 9,927 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी, यह वायरस भी जानवरों से आया है। ज्यादातर लोग जो चीन शहर के केंद्र में स्थित हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट में खरीदारी के लिए आते हैं या फिर अक्सर काम करने वाले लोग जो जीवित या नववध किए गए जानवरों को बेचते थे जो इस वायरस से संक्रमित थे। उसके बाद से ये वायरस धीरे धीरे दुनिया के 168 देशों में अपने पैर पसार चुका है। इसे लेकर दुनिया भर में सरकारें अपने नागरिकों को सतर्क कर रही हैं और इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जानकारी साझा कर रही हैं। लेकिन इसे लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है और इस कारण लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कई जगह इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि गर्मी की मदद से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। कई दावों में पानी को गर्म करके पीने की सलाह दी जा रही है, यहां तक कि नहाने के लिए गर्म पानी के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह के दावों की भरमार है। एक पोस्ट जिसे कई देशों में हजारों लोगों ने शेयर किया है, उसमें दावा किया गया कि गर्म पानी पीने और सूरज की रोशनी में रहने से इस वायरस को मारा जा सकता है। इस दावे में आइसक्रीम को ना खाने की सलाह भी दी गई। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैल जाते हैं। इन्हीं नन्हे कणों के जरिए कोरोना वायरस फैलता है। व्यक्ति के छींकने पर एक वक्त पर थूक के 3,000 से अधिक कण यानी ड्रॉपलेट शरीर से बाहर आते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर ये कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। कभी कभी ये कण कपड़ों, दरवाजों के हैंडल और आपके सामान पर गिर सकते हैं। उस जगह पर किसी का हाथ पड़े और फिर वो व्यक्ति उसी संक्रमित हाथ से अपनी आंख, नाक या मुंह छूता है तो उसे कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है। कोरोना वायरस कई वायरस विषाणु प्रकारों का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग के कारक होते हैं। यह RNA वायरस होते हैं। मानवों में यह श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होते हैं जो अधिकांश रूप से मध्यम गहनता के लेकिन कभी कभी जानलेवा होते हैं। और सुअर में यह अतिसार और मुर्गियों में यह ऊपरी श्वास तंत्र के रोग के कारण बनते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कोई टीका, वैक्सीन या वायररोधी एंटीवायरल अभी उपलब्ध नहीं है और उपचार के लिए प्राणी की अपने प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है और रोग लक्षणों जैसे कि निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, ज्वर आदि का उपचार किया जाता है ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदाहरण है जिसका संक्रमण सन 2019-20 काल में तेजी से उभर कर 2019-20 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। 4-5-6 हाल ही में उन्होंने इसका नाम COVID-19 रखा। 7,200 देशों में फैला कोरोना वायरस चीन, यूरोप के बाद अब दक्षिण पूर्व एशिया के लिए बना है खतरा। वायरस शरीर से बाहर कितनी देर रहता है? अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अपने रिसर्च में पाया है कि ये थूक के कणों में वायरस 3-4 घंटों तक जिंदा रह सकते हैं और हवा में तैर सकते हैं। लेकिन अगर ये कण दरवाजे का हैंडल, लिफ्ट बटन जैसे धातु जैसी सतहों पर ये 48 घंटों तक एक्टिव रह सकते हैं। वहीं अगर कण स्टील की सतह पर गिरा तो वो 2-3 दिन तक एक्टिव रह सकता है। कुछ पुराने रिसर्च के आधार पर ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस अनुकूल परिस्थितियों में एक हफ्ते तक भी एक्टिव रह सकते हैं। कपड़ों जैसे नर्म सतहों पर कोरोना वायरस बहुत लंबे वक्त तक नहीं जिंदा रहता। ऐसे में अगर आप 1-2 दिन तक एक ही कपड़ा नहीं पहनते तो वायरस एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी
संक्रमित सतह को छूने से आपको कोरोना वायरस हो ही जाएगा। जब तक ये आपके मुंह, आंख, नाक के जरिए आपके शरीर में नहीं जाता तब तक आप ठीक हैं। इसलिए अपने मुंह को छूना या बिना हाथ धोए खाना बंद कर दें। इसका मतलब है कि जिसको कोरोना हुआ है और उसने कुछ छुआ या छींका तो वही चीज आपने छू ली और आंख, नाक, मुंह के जरिए आपके शरीर में वायरस चला गया तो संक्रमण हो सकता है। ये ध्यान रहे कि सिर्फ छूने से नहीं बल्कि आपके शरीर में जाने से संक्रमण होगा। गर्मी से कितना प्रभाव पड़ेगा? कोरोना वायरस 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक नष्ट नहीं हो सकता। उतना तापमान ना तो भारत में है और ना किसी के शरीर के भीतर कुछ वायरस तापमान बढ़ने के बाद नष्ट होते हैं। लेकिन कोरोना वायरस पर बढ़ते तापमान का क्या असर होगा, इसके बारे में ब्रितानी डॉक्टर सारा जाविस कहती हैं कि 2002 के नवंबर में सार्स महामारी शुरू हुई थी जो जुलाई में खत्म हो गई थी, लेकिन ये तापमान बदलने की वजह से हुआ या किसी और वजह से ये बताना मुश्किल है। वायरस पर शोध करने वाले डॉक्टर परेश देशपांडे का कहना है कि अगर कोई भरी गर्मी में छींका तो थूक के ड्रॉपलेट सतह पर गिरकर जल्दी सूख सकते हैं और कोरोना फैसले का संक्रमण कम हो सकता है। हम जानते हैं कि फ्लू वायरस गर्मियों के दौरान शरीर के बाहर नहीं रह पाते, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि कोरोना वायरस पर गर्मी का क्या असर पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि गर्मी में कोरोना नष्ट होगा, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तापमान के भरोसे मत बैठिए। बुखार खांसी कोरोना है, कैसे पता चलेगा? यातायात संबंधी प्रतिबंध कोरोना वायरस दुनिया भर में 168 देशों में फैल चुका है, जिनमें ग्रीनलैंड जैसे ठंडे देश भी है तो दुबई जैसे गर्म शहर भी, मुंबई जैसे ह्यूमिड शहर भी है तो दिल्ली जैसे सूखे शहर भी। एक बार अगर यह वायरस इंसान के शरीर में घुस गया तो इसे मारने का तरीका अभी तक ईजाद नहीं हो पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई देश इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसे मारने वाले कोई दवा नहीं बनाई जा सकी है। इसी कारण सरकारें इससे बचने के तरीकों के बारे में नागरिकों को बता रही हैं। वो यातायात संबंधी प्रतिबंध लगा रही हैं और लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए कह रही हैं। इस वायरस से हमारे शरीर को ही लड़ना होगा, यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को ही इसे हराना होगा। हम अपनी बेडशीट को धोकर रखें तो इस वायरस को वहां से तो हटाया जा सकता है, लेकिन शरीर में घुस चुके वायरस को शरीर धोकर बाहर नहीं निकाला जा सकता। भारत एक विशाल देश है। भारत में श्री भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, महाराष्ट्र में पंढरपुर की पवित्र तीर्थ यात्रा, तिरुपति बालाजी यात्रा, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। कुंभ मेला कुंभ पर्व विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन है। उज्जैन में शिप्रा नदी में, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर कुंभ का आयोजन होता है। अयप्पा स्वामी मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। दक्षिण भारत के केरल में सबरीमाला में अयप्पा स्वामी मंदिर है। सबरीमाला का नाम शबरी के नाम पर है, जिनका जिक्र रामायण में है। ये मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच में है। अयप्पा स्वामी मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। दक्षिण भारत के केरल में सबरीमाला में अयप्पा स्वामी मंदिर है। सबरीमाला का नाम शबरी के नाम पर है, जिनका जिक्र रामायण में है। ये मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच में बसा है। यहाँ एक धाम में है जिसे सबरीमला श्री धर्मश्रेष्ठ मंदिर कहा जाता है। ये से बहुत सारे अताहुआ होते हैं, पर भारत ने कभी जनलेवा विषाणु वायरस कभी नहीं दिया। ये हमारी स्वच्छता, हिंदू धर्म संस्कृति, हिंदू सन के लिए हम एक साथ आते हैं, परपा खुशी से मनाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म, हिंदू भगवान, हिंदू माता और हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत।